नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आप सभी का स्वागत है। आप संथाल परगना के सभी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू होंगे। खबर के लिए सबसे पहले रुख करते हैं दुमका की ओर। भटके बच्चों को दुमका से लाकर परिजनों को सौंपा। प्रखंड के मुंदार गांव का किशोर गंदूर उराव पिता स्वर्गीय लाल उराव भटक कर दुमका के हिरनपुर पहुंच गया, जहां से राज्यसभा सांसद समीर उराव ने बच्चे को दुमका से लाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बताया जाता है कि गंदूर उराव पिछले एक सप्ताह पूर्व अपने घर से निकला और भटकते हुए दुमका के हिरनपुर पहुंच गया। इसकी जानकारी उसके परिजनों को नहीं थी और इधर परिजन बच्चे की खोजबीन करके परेशान थे। राज्य का चौथा स्वास्थ्य केंद्र बनेगा बांसकुली में। रानीश्वर प्रखंड के दक्षिण भाग के ग्रामीणों को अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसकुली से बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सकेगा। यहां सिटीजन फाउंडेशन नामक संस्था द्वारा पीपीपी मोड पर अस्पताल का संचालन किया जाएगा। इसके लिए संस्था ने राज्य सरकार से 6 साल के लिए करार किया है। शुक्रवार को सिकाड़ीपाड़ा के विधायक व मुर्मू मंत्री नलिनी सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि अस्पताल संचालन की नई व्यवस्था का उद्घाटन करते हुए ग्रामीणों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होगी, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने मौके पर मौजूद संस्था के तमाम को बधाई दी। झारखंड राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, प्राकृतिक प्रेम व आपसी भाईचारा का अनूठा पर्व है सोहराय। दुमका में संथाल प्रगना कॉलेज परिसर में संथाली साहित्य परिषद संथाल प्रगना महाविद्यालय की ओर से शुक्रवार को आयोजित सोहराय पर्व पर सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री व शिकारीपाड़ा विधायक ननिर सोरेन, लोबिन हेमराम और दुमका विधायक बसंत सोरेन मांदर की थाप पर जमकर थिरके। इतना ही नहीं, सोहराय के मौके पर SKMU की कुलपति प्रो डॉक्टर सोना झरिया, मिज झामुमो के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह, जिला परिषद आदि उपस्थित। अब खबर गोड्डा से। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वापस किए गोड्डा और भागलपुर के कोल ब्लॉक। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कंपनी को कोयला मंत्रालय ने संथाल के गोड्डा और बिहार के भागलपुर में 4 कोल ब्लॉक का आवंटन किया था। इनमें से 2 कोल ब्लॉक भागलपुर के मिर्जा गांव ब्लॉक व गोड्डा के धुलिया नाथ को BCCL ने कोयला मंत्रालय को वापस कर दिया है। 4 कोल ब्लॉक के आवंटन के एवज में BCCL ने कोयला मंत्रालय में 5 करोड़ की रकम जमा की थी। 2 कोल ब्लॉक वापस होने पर कोयला मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपए कंपनी को वापस करने पर सहमति दे दी। BCCL प्रबंधन का कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव भगवान प्रसाद पति ने इस संशय को संकेत दिए हैं। बालू उठाने से परिवार के रोका तो कर दी 16 वर्षीय युवक की हत्या। खबर गोड्डा के पोड़िया हाट में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बालू माफियों ने एक 16 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। यह घटना पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के मोतिया ओपी अंतर्गत देवंदा की है। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में देवंदा लिलजी नदी में बालू उठाव हो रहा था। मृतक राजकुमार के परिवार वालों ने बालू उठाव पर रोक लगा दी, लेकिन अपराधी बालू उठाने के लिए गाड़ी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने लाठी डंडे से परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़के राजकुमार की मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हैं। घायलों का इलाज गोड्डा के सदर अस्पताल में चल रहा है। वृद्ध ससुर सहित गर्भवती महिला की करंट लगने से हुई मौत। खबर गोड्डा के बसंतराय क्षेत्र से है। थाना क्षेत्र के रेशम्बा गांव में शुक्रवार की दोपहर करंट लगने से 45 वर्षीय गर्भवती महिला चमेली देवी और उसके ससुर 45 वर्षीय ईश्वर सिंह की मौत हो गई। घटना के वक्त सिर्फ ससुर और बहू ही घर में थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और पूरे गाँव में कोहराम मच गया। इसके बाद सूचना बसंतराय थाना के पुलिस को दी गयी। इसके बाद बसंतराय थाना प्रभारी चेतन बैरागी दलबल के मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक चमेली देवी के पति मनोज सिंह दिल्ली में रहता है। प्रशासन सख्त हुए। 15 दिनों में अग्निशमन के मानकों को पूरा करें सभी छोटे बड़े अस्पताल और लैब। गोड्डा शहर के एक निजी अस्पताल सनराइज में बीते 10 दिसंबर की अगले सुबह हुए अग्निकांड की घटना के बाद जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब सभी निजी अस्पतालों को अगले 15 दिनों के अंदर अग्निशमन मानकों को पूरा करने का सख्त निर्देश जारी किया है। शुक्रवार को SDO ऋतुराज की अगुवाई में अग्निशमन विभाग ने शहर के 11 निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां अग्निशमन के लिए
मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण दिया और अस्पताल की व्यवस्था को जायजा लिया। एसडीओ ने बताया कि अग्निकांड की रोकथाम के लिए पुनरीक्षण का काम उपायुक्त के निर्देशों किया जा रहा है। गोड्डा शहरी क्षेत्र में अधिकारियों ने मिशन चौक स्थित संजीवनी नर्सिंग होम, क्रिस्त राजा हेल्थ सेंटर, गोड्डा टेक्रीवाल अल्ट्रा स्कैन एवं सभी छोटे बड़े अस्पताल और लैब एवं जांच क्लिनिकों के संचालक व प्रबंधक को 15 दिनों के अंदर सभी आवश्यक यंत्र एवं सामग्री अपने संस्थान में लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है। 15 दिनों के उपरांत जांच में अगर कमी पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर बाबा नगरी देवघर से, सफलता पूर्वक हुआ कोविड टीकाकरण का ट्रायल। कोविड वैक्सीन ट्रायल रन पूरा होने के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भचंद्री ने कहा कि ट्रायल रन पूरी सफलता के साथ संपन्न हो गया। इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी। शाम में समाहरणालय सभागार में की गई समीक्षा में सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर से कार्यों को मॉनिटरिंग करते हुए वैक्सीनेशन को लेकर जाने वाली सभी तैयारियों को दुरुस्त रखें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सिटीजन फीडबैक में राज्य में धनबाद पहले पायदान पर, रांची तीसरे नंबर पर और देवघर चौथे स्थान पर आए। स्वच्छता सर्वेक्षण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य की सभी निकायों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सर्वेक्षण को लेकर प्रचार प्रसार के साथ सिटीजन फीडबैक पर भी फोकस किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने एक नए साल में पहले सप्ताह के सिटीजन फीडबैक का परिणाम घोषित कर दिया है। धनबाद पूरे राज्य में पहले पायदान पर आया है, जबकि रामगढ़ नगर परिषद दूसरे, रांची तीसरे और देवघर नगर निगम चौथे पायदान पर आए हैं। अभिभावकों के नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता की पाती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की सफलता व धरातल पर उसके सकारात्मक परिणाम आए। इस मकसद से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बेटियों के पालक माता पिता के नाम एक पाती लिखी है। कई भावनात्मक शब्दों से पत्र की शुरुआत समारोह परिसर में लगे स्क्रीन बोर्ड पर लिखकर की है, जो हर आने जाने वाले अपनी को खींचने को विश्वास करेगा। बेटियां हमारी भारतीय संस्कृति में देवी तुल्य पूजनीय है। अब जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में जामताड़ा जिले में जारी विशेष अभियान में 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर 11 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिले के नारायणपुर और कमाकान थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में वह जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी का शिकार करते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कुल 11 मोबाइल, 24 सिम कार्ड एवं एक बाइक जब्त किया गया है। बिल के विरोध पर 50 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, बॉन्ड पर सभी छूटे। कथित किसान विरोधी काला कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 की वापसी समेत 10 सूत्री मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा तथा सीटू ने शुक्रवार को जेल भरो अभियान के तहत जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान स्थित CPIM कार्यालय परिसर के कार्यकर्ताओं का जुलूस निकला, जो सुभाष चौक पर गांधी चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचा। दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस पदाधिकारियों के दल ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 50 प्रदर्शनकारी को टाउन थाना लाया गया। शाम 4 बजे पर बॉन्ड के साथ सबको मुक्त कर दिया गया। पर पाकुड़ से, अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल में पाकुड़ ने इस्लामपुर को हराया। अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पाकुड़ की टीम ने इस्लामपुर को 25-13, 25-21, 25-18 से हरा कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यह प्रतियोगिता बंगाल के धुलियान में 7 जनवरी को आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल के धुलियान में आयोजित इस प्रतियोगिता में मालदा, फरक्का, साहिबगंज, धुलियान एवं आजिमगंज सहित पाकुड़ व इस्लामपुर की टीम ने भाग लिया था। पाकुड़ इस्लामपुर ने पूरे प्रतियोगिता में अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपना स्थान बनाया। प्री मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन हुआ। वर्ष 2020-21 के लिए SC ST और OBC छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन 9,515 छात्र छात्राओं के आवेदन आए हैं। समेकित जनजाति विकास अभिकरण की ओर से पूरे जिले में 8 टीम गठन कर विद्यालय स्तर पर इन छात्रों को प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन करवाया गया। परीक्षायमान पदाधिकारी राम नारायण खालको के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने उत्क्रमित +2 विद्यालय इलामी में शुक्रवार को छात्रों के प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन किया।
खबर साहेबगंज से। माँ व पति के साथ झारखंड से परीक्षा देने भागलपुर पहुंची छात्रा गायब। झारखंड से स्नातक का परीक्षा देने के बहाने भागलपुर पहुंची छात्रा अभिभावक को चकमा देकर भाग गई। इस संबंध में जोगसर ओपी में छात्रा के गायब होने की मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रियंका उर्फ ब्यूटी अपने पति रंजन कुमार और माँ परिमला देवी के साथ स्नातक की परीक्षा देने झारखंड के साहेबगंज जिला के बरहेट गांव से भागलपुर पहुंची। भागलपुर स्टेशन पर उतरने के बाद प्रियंका ने पति और माँ से एडमिट कार्ड खंजरपुर स्थित लॉज में रहने की बात कही। पति और माँ के साथ एडमिट कार्ड लेने लॉज पहुंची। काफी देर इंतजार करने नहीं आने पर पति और माँ प्रियंका कमरे में गई। प्रियंका कमरे में नहीं थी। खबर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।